नमस्कार। चीन पाक से हुआ टू फ्रंट वार, तो भारत कितना तैयार? जी हाँ, आइए जानते हैं क्या ऐसा मामला है, क्या होगा अगर भारत को जंग लड़नी पड़ जाए, अगर चीन से लड़ना पड़े तो क्या पाकिस्तान भी इसमें कूदेगा, और पाकिस्तान से जंग हुई तो क्या चीन भी बीच में आएगा। ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ हम आपके साथ एक नए न्यूज के साथ आए हुए हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत को एक नहीं बल्कि दो दुश्मनों के साथ एक समय में जंग लड़नी पड़ जाएगी। जंग की बात इसलिए क्योंकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले बात बहुत बड़ी कही थी। राहुल गांधी ने कहा था चीन और पाकिस्तान साथ आ गए हैं, अगर युद्ध होता है तो किसी एक के साथ नहीं होगा बल्कि दोनों के साथ होगा, इससे देश को बहुत नुकसान होगा, भारत की अभी स्थिति बहुत कमजोर है। राहुल गांधी के यह बयान से ऐसा समय आया कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में यांगसे के पास भारत और चीन के सैनिकों में झड़प भी हुई थी। राहुल के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा था राहुल गांधी शायद अभी 1962 के दौर में जी रहे हैं। मैं राहुल से कहना चाहूंगा कि आपको बार बार भारतीय सेना को अपमानित नहीं करना चाहिए। क्या कांग्रेस ने भारतीय सेना का अपमान करके मनोबल गिराने की कोशिश नहीं की, या फिर राहुल गांधी को भारतीय सेना पर भरोसा नहीं रहा? क्या ऐसा सच में होगा? भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान के लड़ने की बात नहीं है, सैन्य मामलों के जानकार अक्सर यही बताते हैं अगर युद्ध हुआ तो भारत और चीन पाकिस्तान के साथ लड़ना होगा। पाकिस्तान के साथ 1965 और उसके बाद 1971 की जंग में भी भारतीय सेना के सामने चीन बड़ी चुनौती था। हालांकि उस समय चीन इतना बड़ा खतरनाक नहीं बन सका, लेकिन 2008 के मुंबई हमले के बाद चीन और पाकिस्तान में नज़दीकियां कुछ ज़्यादा बढ़ गई। यही कारण है तब से दो मोर्चों पर युद्ध की बातें होती रही हैं। दरअसल 2009 के आखिरी समय उस आर्मी चीफ जनरल दीपक कपूर ने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सेना को टू फ्रंट वार के लिए तैयार रहना चाहिए। 2012 में संसद के रक्षा मंत्री ने भी कहा था भले ही सेना पारंपरिक युद्धों के लिए तैयार होती है लेकिन अभी उसे टू फ्रंट वार की स्थिति से निपटना आना चाहिए। जी हाँ, चीन और पाकिस्तान दोनों भारत से युद्ध करने के लिए तैयार हो सकते हैं। अक्टूबर 2010 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने चीन और पाकिस्तान को दो अड़चने बताई थी। उन इस बात का इशारा भी किया था कि सेना चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटने की तैयारी भी कर रहा है। जुलाई 2008 तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने भी कहा था कि टू फ्रंट वार एक रियल सिनेरियो है, हमारी क्षमताओं के मामले में पहले से बहुत कुछ बदल गया है, सेना, नौसेना, वायुसेना की स्थिति ऐसे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें इससे पहले जून 2017 में जनरल बिपिन रावत ने यह कहा था हमारी सेना ढाई मोर्चे पर एक साथ खड़े जंग लड़ने के लिए तैयार है। उनके इस बयान का यही मतलब था कि चीन, पाकिस्तान और आतंकवाद। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था कि उनका मानना था अगर चीन के साथ जंग की नौबत आई तो पाकिस्तान इसका फ़ायदा ज़रूर उठाने की कोशिश कर सकता है। इसी दौरान जनवरी 2021 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल MN रणवरे ने कहा था कि चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य और गैर सैन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा दिया है, हमें दो मोर्चों पर स्थिति को निपटने के लिए तैयार होना चाहिए। आखिर ज़मीन पर क्या होगा, पाकिस्तान और चीन एक साथ हमला करें तो क्या होगा असर भारत पर? आज़ादी के बाद भारत ने 5 जंग लड़ी थी, एक चीन से 1962 में, 4 पाकिस्तान से 1947, 1965, 1971 और 1999। पाकिस्तान को हर हार में हर बार हमने धूल चटाई, चीन ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया, पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर 2545 किलोमीटर और लाइफ ऑफ कंट्रोल LOC 778 किलोमीटर है, जम्मू कश्मीर में 110 किलोमीटर की एक्चुअल ग्राउंड लाइन पोजीशन भी है, ये असल में सियाचिन के पास है। पाकिस्तान को विरासत में आतंकवाद और घुसपैठ ही मिला हुआ है। पाकिस्तान ने POK में चीन को सड़क बनाने दे रहा है, साथ ही ग्वाडर पोर्ट पर चीन को सौंप रखा है। पाकिस्तान के साथ सीमा पर युद्ध लड़ना आसान नहीं है लेकिन चीन के साथ उतना ही मुश्किल है क्योंकि चीन के साथ हिमालय में ऊंचे पहाड़ लगते हैं। ऐसी स्थिति में भारत को फाइटर जेट, आर्टिलरी, माउंटेन कोर की ताकत चाहिए जो चीनी सैनिकों को ऊंचे पहाड़ को कड़ी टक्कर दे सके। चीन के साथ भारत का अनडिमार्केटेड बॉर्डर करीब 4,057 किलोमीटर लंबा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अर्थात LAC पर अक्सर संघर्ष की खबरें आती रहती हैं। उधर चीन ये मानता है कि जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, इसलिए वह सिर्फ 2000 किलोमीटर ही बॉर्डर मानता है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीनी सैनिकों में आए दिन झड़प होती रहती है, सीमाओं का रेखांकन नहीं होने वजह से संघर्ष होता रहता है।
इसके अलावा चीन ने भारत को समुद्री तरफ से वर्चुअल घेरना शुरू कर दिया है। उसने म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान और जिबूती में अपने अपने पोर्ट बना रखे हैं, स्टिंग्स ऑफ पर्ल जिसे कहते हैं, जो अब भारत को चारों तरफ से मोतियों की माला जैसे घेर रहा है। वह लगातार भूटान पर भी दबाव बनाता रहा है, नेपाल में भी राजनीतिक घुटपैठ करने की प्रयास करता रहता है और आगे भी जारी रखना चाहता है। एक बात तो पक्की है, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो चीन का सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा। ये हो सकता है कि वह उत्तरी और पूर्वी सेक्टर से भारतीय सैनिकों को व्यस्त रखे ताकि भारत पाकिस्तान का पूरा ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन भारत के साथ चीन जंग छेड़ता है तो पाकिस्तान अपनी फितरत के आगे मजबूर हो जाएगा। वह पश्चिमी सीमा पर हमला करेगा और कश्मीर पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगा। आगे आपको बताते हैं कि भारत को टू फ्रंट वार के काफ़ी मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों देश जमीन पर एक साथ संभालना मुश्किल होगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये आएगा कि कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को रोकना, क्योंकि युद्ध के समय घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान बढ़ा सकता है। ऐसे में भारत को अपने रिजर्व फोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि CRPF। इतने बड़े इलाके में, यानी पश्चिम से उत्तर और उत्तर से पूर्व लेकर अलग अलग सेक्टर्स में सैन्य की टुकड़ियों का मूवमेंट, वो भी इतनी जल्दी संभव नहीं है। यह समस्या सिर्फ थल सेना के साथ नहीं बल्कि एयरफोर्स के लिए भी होगी। इसी वजह से सेनाओं में विभाजन हो जाएगा, जो कि भारत के लिए सही नहीं होगा। नौसेना को दो हिस्सों में बांटना होगा, एक हिस्सा अरब सागर से कराची के सामने रहेगा तो दूसरा हिस्सा बंगाल की खाड़ी में तैनात होगा। ज़्यादा मात्रा में हथियारों की खपत होगी, यानी हमेशा स्थितियों के लिए भारत के अतिरिक्त हथियारों, उपकरणों, यंत्रों को भंडारण करना होगा। साथ ही समय पर युद्धस्थल में उन्हें पहुंचने की व्यवस्था करनी होगी। आगे ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समुद्र में हम दोनों तरफ से युद्ध लड़ सकते हैं। भारत की नौसेना इससे पहले टू फ्रंट वार लड़ चुकी हुई है। 1971 में अरब सागर में पश्चिमी पाकिस्तान से और बंगाल की खाड़ी से पूर्वी पाकिस्तान से। 1971 की जंग भारत की तीनों सेनाओं में आपस में लयबद्धता दिखाई थी। जल, जमीन और हवा तीनों पर सामंजस्यता दिखाई गई थी, पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। लेकिन जब बात चीन की आती है तो उसके पास ज़्यादा ताकत है। टू फ्रंट वार के समय इंडियन नेवी के लिए पाकिस्तान बड़ी चुनौती नहीं होगा, लेकिन चीन हो सकता है। हालांकि चीन को भारत से समुद्र में युद्ध करने के लिए बड़ी लंबी यात्रा करके आना होगा, इसलिए नौसेना को समय मिल जाएगा। वह चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करे क्या, या जो है पूरी तरह से फ्रंट को नष्ट कर सकता है ताकि दूसरे फ्रंट से समय उसे समय आकर पोजीशन मिल सके। जी हाँ, क्या इन सब चीज़ों के साथ भारत कैसे युद्ध में लड़ेगा और क्या उसके जो साथी दोस्त हैं, चाहे वो रसिया हो चाहे वो अमेरिका हो, क्या उसकी मदद नहीं करेंगे? भारत का विदेशी पोजीशन, देश में पोजीशन, पूरे विश्व में पोजीशन बहुत अलग है। अब भारत पर आक्रमण करना उतना चाहे चीन के लिए चाहे पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। जी हाँ, क्या भारत पड़ोसी मुल्कों को टक्कर दे सकता है? जी हाँ, भारत ने पिछले कई सालों से अपने रक्षा उपकरणों को बढ़ाता चला रहा है। उसने कई सालों से ये सब जो वायुसेना में Sukhoi-30M के पूर्वी तट से उड़ान भरकर कुछ 25 मिनटों किलोमीटर में पश्चिमी सेक्टर तक पहुंचा सकता है। भारत के पास राफेल अटैक हेलीकॉप्टर्स भी हैं, इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद फाइटर जेट्स भी है। अभी हाल में भारत ने अपने फाइटर जेट्स जो है एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य को लॉन्च किया था, जो कि भारत में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट तेजस भी तेजी से वायुसेना में शामिल किए जा रहे हैं। MiG-21, MiG-27 के स्क्वाड्रंस को साल 2024 तक खत्म करने की योजना है। ऐसे में फाइटर जेट्स के सही जगहों पर तैनाती ही काम आएगी। वायुसेना को 2032 तक 42 स्क्वाड्रंस की ज़रूरत है, फिलहाल 30 या 31 ही हैं। यहाँ वायुसेना तभी कुछ कर पाएगी। और चीन और पाकिस्तान का जाल आखिर है क्या? ये बात पूरी दुनिया को पता है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती है, वही कई तरह के कामों को एक साथ मिलकर करते हैं। टू फ्रंट वार होता है तो दोनों की ताकत बढ़ जाएगी और भारत को दोनों से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा रणनीति से बनाने की संभावना है। हालांकि युद्ध में कोलेटरल डैमेज होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए अगर डैमेज को बचाकर हमला किया जाए तो युद्ध जीता जा सकता है। इस तरह की खबर आप इनसे क्या वो करना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं, आप कमेंट में हमारे साथ बने रहिए। कमेंट में आप हमें सुझाव दीजिए कि क्या भारत के साथ क्या स्थिति होगी, क्या चीन और पाकिस्तान भारत को हरा सकते हैं, या भारत के पास अपने रक्षा उपकरणों के साथ जितना जो है भारत आज विश्व में नंबर 1 पर खड़ा हुआ है, क्या भारत इनको चुनौती कैसे देगा? जय हिंद।